गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग खुश होंगे। आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं चंडीगढ़ में आए हुए, और कल शाम को ही मैं फ्री हुआ था यहाँ पे। अब जितने भी मेरे टेस्ट वगैरह हैं उसकी रिपोर्टें आएंगी आज शाम को या कल सुबह तक। तो कल तक के लिए मेरे पास टाइम है, तो अब हम करेंगे यहाँ पर ब्लॉगिंग। और 2 दिन से मैं यहीं पर, जो मेरे दोस्त लोग हैं वो मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर आए तो एक लड़का यहाँ पे अभिनंदन, उसके पराठे खा के जरूर आओ। कम से कम मेरे को 3 या 4 फोन आ गए, और जहाँ पे मैं रुकूँ ये भी बोल रहे हैं कि एक बार उसके पराठे जरूर खा के आना, उससे मिल के आना और देख के आना वो अभिनंदन क्या चीज़ है क्या, और उसका ब्लॉग जरूर बनाना। तो गाइज उस बंदे का पता मैंने कर लिया है, अभी मैं निकलूँगा उसके पास, देखूँगा ये अभिनंदन के पराठे यहाँ पे चंडीगढ़ में क्यों इतने मशहूर हो रखे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन आई है अभिनंदन और क्यों उसके पराठे बहुत ही ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। सो दोस्तों अभी पूछते पूछते जा रहा हूँ मैं, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे चंडीगढ़ में इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, बट फिर भी लोग इस बंदे का नाम बार बार यहाँ पे ले रहे हैं। मेरे को फ़ोन भी आए कि एक बार इस भाई के पास मिल के आओ, इसका ब्लॉग बना के आओ और इसके पराठे खा के आओ। तो इसके पराठे यहाँ चंडीगढ़ में इतने फेमस क्यों हैं, अब तो वो जाके पता लगेगा, टेस्ट करके पता लगेगा। बट ये कि चंडीगढ़ है छोटा सा ही, 13-14 किलोमीटर का, मगर आपको अगर नॉलेज नहीं है ना चंडीगढ़ का, तो आप मेरी तरह दोबारा घूम फिर के वहीं पे पहुंच जाओगे। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच तो गया हूँ अभिनंदन पराठे वाले के पास, गाड़ी पार्क कर लूँ फिर देखते हैं आगे। अभिनंदन दिख तो रहा मेरे को, वाह गाइस अभिनंदन पराठे वाला मैंने देख के पता कर लिया कि ये जो बंदा है इसका नाम अभिनंदन पराठे वाला क्यों पड़ा हुआ है। सेम है यार, टच वुड, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये। अब क्या है अभिनंदन पराठे वाला, अब पराठे भाई के कैसे होंगे ये तो भगवान जाने, वो छोड़ो, बट जो चीज मेरे को सामने दिख रही है ना वो टच वुड, मतलब आप भी यकीन नहीं करोगे जब तक आप देखोगे नहीं, कि अभिनंदन पराठे वाला इसका नाम जो बड़ा है सही में। तो पहले तो दोस्तों मैं सर के पास जाऊंगा, अब सर बोलना पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा, रिस्पेक्ट तो खैर देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट हर आदमी को देनी चाहिए, बट जो सामने जो बंदा खड़ा है ना उसको तो रिस्पेक्ट बनती भी है, चाहे वो रियल में है चाहे वो फेक में है, उसको रिस्पेक्ट बनती है। तो मैं इनकी पहले परमिशन लेके आता हूँ, अगर वो मेरे को अलाउ करते हैं वीडियो बनाने के लिए तो मैं रेस्ट ऑफ वीडियो बनाता हूँ, और अगर ये अलाउ नहीं करते तो फिर वीडियो ये पोस्ट भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया में आने से थोड़ा डरते भी हैं, थोड़ा मना भी करते हैं, और किसी को अलाउ नहीं करते कि कोई उनकी पर्सनल लाइफ में क्या बोलते हैं उसको इंटरफेरेंस करे। तो मैं जाता हूँ अभी और उनसे परमिशन लेके आता हूँ। दोस्तों अभी भाई ने परमिशन दे दी है कि आप वीडियो बना सकते हो, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये नाम क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे इनका, और इनके पराठे यहाँ पे मशहूर क्यों है चंडीगढ़ में। दोस्तों ये लीजिए, मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ, अब आप खुद देखिए कि ये कौन है, और थोड़ा पहचानने की, खैर पहचानने की जरूरत है नहीं, सबके जहन में ये चेहरा है, बट ये जो है मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये भाई साहब जो असली वाले नहीं है, इनकी फेस मिस्टर अभिनंदन सर जो है जिनसे मिलता है। इनका नाम अभिनंदन पराठे वाला क्यों पड़ा है, क्योंकि इनका जो फेस है वो जो हमारे सोल्जर है एयरफोर्स में मिस्टर अभिनंदन जी जो विंग कमांडर है उनके फेस के साथ इनका फेस बिल्कुल मिलता हुआ है, तो इनका नाम इसीलिए अभिनंदन पराठे वाला पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि भाई सचमुच में सामने ही है। तो अभी इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ और इनके रिव्यूज़ लेता हूँ कि लोग यहाँ पे इनको क्या सोच के यहाँ पे आते हैं, पराठे इनके क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ये चीज़ बताइए कि आपका नाम, रियल नेम क्या है आपका? मेरा जय वर्मा है। जय वर्मा, ओके। और आप कहाँ से हैं सर? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ, हिमाचल। अच्छा हिमाचल से आप हैं, मतलब तब तो भाई हो आप तो हमें। हाँ जी हाँ जी, हम भी हिमाचल से हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। अच्छा आप सोलन से हो? हाँ जी। तो आपसे मिल के तो बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो चेहरा है ना सर,
आपने कभी रियलाइज किया, आपको किसी ने कुछ बोला इस बारे में? रियलाइज क्या, मेरी इस पे पहले भी एक वीडियो बनी है। ओके। तो हमारा इंडिया पाकिस्तान का कभी मैच हुआ था साल 2 साल पहले। अच्छा। तो उस टाइम का एक वीडियो बना है जी। तो इस टाइम बिग कमांडो मिस्टर अभिनंदन जी हाँ जी आए थे, तो उसी टाइम का एक वीडियो निकाला गया है जी। तो आज फिर एक मौका मिल रहा है एक रूबरू होने का जी, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आप यहाँ पे कब से हो? यहाँ सर मुझे हो गया अभी 5-6 मंथ हो गए जी। तो रिस्पांस अच्छा है, अच्छा बढ़िया है जी। और मैंने भी एक नया नया काम स्टार्ट किया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। मैं भी होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो एक इच्छा थी कि नहीं अपना काम स्टार्ट करें जी। तो आज मौका मिला है इसको जी करने का, तो अच्छा लग रहा है। ओके। बाकी देखते हैं, लोग कस्टमर आ रहा है, कोई नया गेस्ट आता है तो उसके लिए फूड का जो है मेन चीज़ है कि फूड का हमारे हाइजेनिक फूड होना चाहिए, साफ सफाई और क्वालिटी और एक टेस्ट वाइज। तो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है जी। और आ रहे हैं। तो सर मेरे को थोड़ा सा ये बताना कि लोगों ने, मतलब जैसे मेरे को लोगों के फोन आए मेरे फ्रेंड सर्कल के कि आप चंडीगढ़ आए हो जी, तो अभिनंदन परांठे वाले के परांठे जरूर खा के जाना। ठीक है। तो आपका नाम जय वर्मा है जी। अभिनंदन तो मैं समझ गया कि आपके फेस सर से मिलता है, अभिनंदन सर से, तो आप अभिनंदन लोगों ने आपका नाम रखा है जी सर। बट परांठे वाला मतलब, ये तो मैं समझ गया ब्रेकफास्ट में आप परांठे देते हो, तो आपके परांठे यहाँ पे चंडीगढ़ में हिमाचल के परांठे, मतलब आप हिमाचली स्टाइल में बनाते हो या क्या बनाते हो? हम ना घर का एक जो तो है ना कि एक घर वाला स्टाइल, तो उस चीज में हमने इसको दिया है जी। और टेस्ट में भी अच्छा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं जी। और जो एक बारी आता है तो बार बार कहते नहीं यार परांठा खाना तो वही खाना है। मतलब ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया या कॉन्फिडेंस आपका? नहीं चलो कॉन्फिडेंस कहें चाहे एक उनका प्यार बोलो जी, और एक टेस्ट वाइज जो एक हम खुद इस चीज को करते हैं कि फूड अगर खाना खाना है, हर बंदा खाना खाता है जी, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो खाने का कोई मतलब ही नहीं है जी। बिल्कुल। तो जिसको पसंद है, जिसको वो चीज पसंद है, वो वहाँ जाएगा ही जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा वो चीज है। तो सर मैं आज कोशिश करूंगा यहाँ से ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं टेस्ट कराएंगे अभी, टेस्ट करेंगे और आप खा के देखिए जी, फिर आपको पता लगेगा क्या चीज है क्या नहीं है। मतलब आप मेरे को बांध लोगे यहाँ पे, अगर टेस्ट अच्छा लगा तो दोबारा हम दोबारा बुलाएंगे आपको, आप खुद आओगे, खुद आओगे, हम नहीं बुलाएंगे आप खुद आओगे। सेम ये चीज होती है, मतलब ये चीज हर कोई नहीं बोल पाता। सही बात है। जिसको अपने कलाकारी के ऊपर विश्वास है हाँ जी, अपने खाने के ऊपर विश्वास है कि मैं, मेरे से अच्छा ये चीज में कोई माहिर नहीं है, तो वो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे मेरे को लगता है हिमाचल वाले लोग भी बहुत रहते होंगे ना? हिमाचल के लोग काफी हैं इधर, काफी है ना हाँ जी। तो वो आपके पास आते हैं? वो हमारे पास ही आते हैं इधर। एक खाने का बड़ा अच्छा लगा उनको कि यार नहीं फ्रेश मिलता है हर चीज, तो सवेरे आते हैं परांठा, कहते यार परांठे की शुरुआत एक जो है ना वो यहीं से करनी, यहीं से करनी है। ठीक है। तो मॉर्निंग में जाते हैं, जैसे ड्यूटी जाते हैं, कोई इधर है अपना HM कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब यहीं से खा पी के निकलते हैं। बाकी यहाँ का जो है सेक्टर 41 है ये? बुटेला हाँ जी। ओके। तो कृष्णा मार्केट के साथ ही बिल्कुल जी। तो आप कभी भी आओ, और आए नए लोग जी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार जी। तो बाकी देखते हैं, अब थोड़ा सा काम भी शुरू कर लेते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं, तो ऐसे काम साथ साथ में काम भी जरूरी है हाँ जी, और अपना वार्तालाप भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप क्या बना रहे हो? अभी मैं बनाऊंगा आपको आलू प्याज का परांठा है। अच्छा जी। जो एक हमारा एक फेमस है, पनीर परांठा है, गोभी परांठा है, मूली परांठा, जो भी आप मिक्स परांठा मिल जाता है जी। तो भाई साहब अभी लग पड़े हैं परांठा बनाने के लिए, तो देखो कैसे परांठे बन रहे हैं। अंकल जी, 10 परांठे कर दो पैक घर के लिए। अच्छा जी, लाओ जी लाओ, जल्दी कर दो, बीमार आ रहे हैं ना। अच्छा हाँ जी, ठीक है। ऐसा भी है क्या सर यहाँ पे?
हाँ जी ऐसा भी है? ऐसा भी है, हमारी पैकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा अच्छा, तो जो यहाँ रेगुलर कस्टमर खाने वाला वो अलग है और पैकिंग तो अलग जाती जाती है। अच्छा अच्छा, पैकिंग बारे आप देखो ना, कम से कम सवेरे के टाइम एक घंटे में कम से कम 60-70 परांठा निकल जाता है। गुड़िया क्या नाम आपका? यमुना। तो आपका क्या नाम है? खुशबू। तो आप जानते हैं उनको? नहीं, हम घर से यहाँ पे। अच्छा। तो आप लोग पराठे यहीं से लेके जाते हो? लेके जाते। आपके घर में कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा भाई बहन है। सब तो ठीक है। आपकी मम्मी ना सवेरे बच जाती होगी ब्रेकफास्ट बनाने में ना, पराठे आप लोग यहीं से लेके जाते हो? पराठे अच्छे होते हैं ना। ओके ओके ओके। सर सही में बस अच्छा लगता है कि नहीं परांठा पसंद कर रहे हैं, ये है खाना पसंद कर रहे हैं जी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं यार। सो दोस्तों ये देखो, अभी मैं परांठे 4 खा गया हूँ और 5 रेडी हो रहा है मेरे लिए, और कस्टमर आ रहे हैं। नमस्कार जी। 4 परांठे बना रहे हैं आपने, आलू प्याज के मिक्स? ठीक है। कक्के के लिए एक बिना मिर्च वाला बनाना है? ठीक है। और कल परसों हमने खाए थे, बहुत अच्छे लगे हमें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार है जो खींच रहा है। दोस्तों ये लोग, आप लोग देखिए कि भाई साहब के परांठे सेम है, फेमस है यहाँ पे। आप लोग दोस्तों देखिए कि भाई साहब ने जो अपना स्टाइल बना रखा है, जो सर हमें कमांडेंट अभिनंदन थे, सेम उन्हीं की तरह है। सर थोड़े सर देखेंगे? हाँ जी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं कोई नहीं, सेम बना रखा भाई ने। तो मिक कमांडेंट अभिनंदन कौन थे ये आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं भी पता तो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जब एयर स्ट्राइक हुई थी 2019 में, तो उस टाइम क्या था कि मिक कमांडेंट अभिनंदन का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था पाकिस्तान में, और उनको पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ लिया था। और उस टाइम का एक चाय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो सारे देशवासी ने देखा था, और हमने क्या मतलब सारे देशवासियों ने इंडिया गवर्नमेंट से एक अपील की थी कि आपको इनको वहाँ से छुड़ाना है। तो इंडिया का जो प्रेशर पाकिस्तान में पड़ा, तो उन लोगों को, पाकिस्तान वालों को, मेक कमांडेंट अभिनंदन को वहाँ से छोड़ना पड़ा। तो वो थे मेक कमांडेंट अभिनंदन, जो 2019 में सोशल मीडिया पे, टीवी में, खबरों में, न्यूज़पेपर में, हर जगह पर छाए हुए थे। तो ये भाई का जो फेस है वो उनसे मिलता जुलता है, इसलिए इनको अभिनंदन परांठे वाला बोला जाता है। सो दोस्तों ये है अभिनंदन परांठे वाले की थाली, जिसमें ये परांठा आ गया 4 पीस में, और ये चटनी आई है, मतलब ये हिमाचल वाली याद आ गई कि हिमाचल में हम चटनी खाते हैं। तो चटनी भी दरदरी सी है, जैसे सिलबट्टे में पीसते हैं ना, वैसी है। और ये दही है साथ में, अब इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या है ये। तो दोस्तों भाई साहब ने जो परांठे बनाए अभी, और लगे भी अभी बनाने के लिए, क्योंकि मैं उठूंगा तो ज़रा तसल्ली से उठूंगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस बनता है, क्योंकि अब मैं आपको खुद बोलता हूँ कि आप आइए परांठे खाइए यहाँ पर, और आपको लग जाएगा पता कि क्या टेस्ट है। और परांठों के साथ में जो चटनी बनाई है भाई साहब ने, अल्टीमेट है। ऐसे लगता है कि सिलबत्ते जो होता है ना, सिलबत्ता जो हम घर में यूज़ करते हैं हिमाचल में, उससे पीस के बनाई हुई है, दरदरी से चटनी बना रखी है, ज़बरदस्त है। तो अभी सर आ रहा ना परांठा? परांठा लग रहा है, रेडी। ओके जी ओके। सो भाजी आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि अभी आपके पास ये जो सोप है, हाँ जी, इसमें बैठने का स्पेस जो वो कम है, थोड़ा सा बैठने की दिक्कत है। हाँ। लोग डिमांड करते हैं कि आप सिटिंग का करो। अच्छा। तो इसमें स्पेस की दिक्कत है थोड़ी सी। अच्छा। बाकी मैंने वैसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट की है जी, कि 4-6 बंदे खा सके बैठ के। बाकी पैकिंग का ज्यादा है, पैकिंग का है कि आप 15 मिनट पहले कॉल करो और आप पैकिंग ले दो, आपको वेट ना करना पड़े। तो आप इस वीडियो में अपना नंबर शेयर करना चाहोगे? इसमें नंबर मेरा नोट कर लो आप, 9779955783। तो ये मेरा नंबर है, आप 15-20 मिनट पहले जैसे भी आप कॉल करके आपको पैकिंग मिल जाएगी और आप बैठ के खा सकते हैं। यहाँ अगर सिटिंग का अवेलेबल हुआ तो
आपको बिठा के भी खिला देंगे और नहीं तो आप पैकिंग करके ले जाइए। अच्छा तो सर आपने जो मेरे को अपना टाइम दिया, हाँ जी, अपने बिजी शेड्यूल से, उसके लिए थैंक्स। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जब भी चंडीगढ़ अब आऊँगा मैं तो एनी टाइम वो तो मैं समझ गया क्योंकि परांठे आपके बुलाए लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो थैंक यू सर टाइम देने के लिए। तो गाइज अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अभी मेरे पास 2 दिन का टाइम है चंडीगढ़ में, तो बनाते हैं कुछ और ब्लॉग्स और आप मेरे नए ब्लॉग का वेट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय सर, बाय 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 बाय।